उपखंड लालसोट में भाई बहन के प्यार का प्रतीक त्यौहार रक्षाबंधन कल उपखंड लालसोट में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। उपखंड लालसोट में जगह जगह व्यापारियों ने राखियों की दुकानें लगाई। महिलाओं ने अपने भाइयों के लिए अपनी अपनी पसंद की फैंसी राखियां सदा राखियों की जमकर खरीदारी की। राखियों के साथ साथ मिठाइयां, नारियल, फल, फ्रूट्स भी खरीदे गए। आपको बता दें कि कल रक्षाबंधन के अवसर पर राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए राजस्थान रोडवेज में यात्रा करना निःशुल्क किया है। दूसरी ओर राखी बेचने वाले दुकानदारों ने बताया कि आजकल ऑनलाइन मार्केट हो जाने के कारण घर बैठे ही राखियां प्राप्त होने के कारण बाजार में महिलाओं ने राखियां कम खरीदी, जिससे हमारी बिक्री पर असर हुआ है। सर आप बताइए, दुकान वाले बोल रहे हैं कि राखियां कम बिक्री, आपकी क्या राय है? सर मेरी राय है कि राखियां बिल्कुल ही कम है। राखियों का धंधा 10% भी राखी गई साल की तुलना में इस साल नहीं है। कोई कारण भी तो होगा इसका? कारण इसका यही है कि हर औरतें हर घर में ऑनलाइन राखियां खरीदी जा रही है। ऑनलाइन का मार्केट से बाजार का जो मार्केट है वो चौपट हो गया है, आपको पता है। हाँ, ऑनलाइन के मार्केट से बाजार का मार्केट चौपट है। दुकान वाले बैठे हुए हैं जबकि बाजार में जो ऑनलाइन है बिक्री वो घर बैठे ही प्राप्त कर रही है महिलाएँ। हाँ, इससे फिर दुकानों की तो राखियां जो है बिक्री कम हुई ना इसके बाद? दुकानों पे बिल्कुल ही बिक्रियां नहीं है। देखो ना आप, कल राखी है बिल्कुल बैठे हैं हाथ में हाथ लेके। आपकी राखियां कितने की लेके आए थे, जो कितने की बिक्री है? सर मैं कई साल तो 70,000 की राखियां लाया था, जो बिल्कुल पूरी राखियां बिक्री। इस साल मैं राखी 35,000 की लाया हूँ। उसके बावजूद भी राखी 5,000 भी अभी तक राखियों के इकट्ठे नहीं हुए 35,000 में से।